हमारा नाम सर मोहम्मद असलम। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? प्रॉब्लम सर यही है कि ये यहाँ मतलब बक्सरिया टोला में इमाम बाड़ा है, बहुत कादीमी है, बहुत जमाने से चल रहा है, और एक पीढ़ी तो बहरहाल जा चुकी है मौके पे, दूसरी पीढ़ी चल रही है, ठीक है। लिहाजा कष्ट ये है कि यहाँ मतलब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जगह चल रहा है केस, फिर भी यहाँ का मतलब जो भी है मतलब हमारे प्रशासन विभाग उस पर जरा सिर्फ ध्यान नहीं दे रहा है, और उस पर दीवार भी तामीर हो चुकी है, हाई कोर्ट का स्टे और सिविल में चल रहा है, फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। मतलब डीएम, एसएसपी, सीओ हर को मतलब सारी एप्लीकेशन मौके पर मौजूद है, लेकिन उस पर दीवार तामीर हो गई मौके पे, साथ मतलब कमरा बनने का एकदम क्लियर हो चुका है, लेकिन समस्या इस बात की है दो दिन हम थे नहीं मौके पे, इसीलिए मौके का नाजायज फायदा उठा करके और दीवार तामीर हो चुकी है। सर इस पे कोई ऐसा कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर आगे चल करके इसमें साहब विवाद और अधिक हो सकता है। 107-16 में साहब बंद भी हुए हैं, ये रिकॉर्ड कोतवाली के अंदर दर्ज है, लिहाजा इस पे कोई कार्रवाई नहीं। मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पे अधिक से अधिक कार्रवाई हो, और जो मतलब 151 पे जुर्माना होता है उसको अवश्य लगाया जाए। अगर ये नहीं लगता है साहब तो मैं इसके लिए चाहे अनशन करना पड़े, चाहे मुझे जो भी करना होगा मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और लिहाजा इसका अगर न्याय नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट चल रहे हैं वो तो चलेंगे, लेकिन उसके बाद में एक बास कोर्ट भी होगा उसके लिए। ये मामला किस कोतवाली के अंतर्गत? ये सर अयोध्या कोतवाली में भी है और लक्ष्मण घाट चौकी पे है जी सर। इसमें आपने क्या कार्रवाई की? नहीं कार्रवाई साहब सारा हर जगह हमने मतलब इसकी एप्लीकेशन दिया है और एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। दरोगा का केवल दबाव होता है कि आप इसको सुलह कर लीजिए। सर कोई अगर इमाम बाड़ा मस्जिद गुरुद्वारा या मंदिर है तो कोई सुलह नहीं होता है, उसमें वही चीज होता है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब मुझे हमेशा हड़ताल की तरह मनाने का मतलब अनुमति मिलनी चाहिए। ये मामला किस किस कोर्ट में चल रहा है? सर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में सर, सिविल कोर्ट में चल रहा है। ये वहां से कुछ आपको मिला? नहीं वो प्रूफ उसका है, उसका पूरी नकल उकल है, इसी कोई दिक्कत है नहीं। नजूल वाले भी नहीं सर, नजूल वाले लिख करके दे रहे हैं, इमाम बाड़ा दर्ज है, ऐसा कोई झूठ बोलने कोई पास नहीं है, और अगर नजूल में माना किया जाए तो उसमें मतलब इमाम बाड़ा आज भी दर्ज है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जमीन नजूल की है? जी नजूल की जमीन है।